वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 7, जो इसका पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसका 7th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। हमें एक पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर और एक और कंडीशन हमें दिया है, ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है ये और दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। उनमें से पहला पॉइंट दिया है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए है 2, -5 और दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2, -9। अब ऑलरेडी हमें पता है जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। इसलिए हम क्या रखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए बी पी x, 0, क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है उसका एब्सिस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, खाली इस एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एंड लेट ए 2, -5 एंड बी -2, -9 बी 2 गिवन पॉइंट्स। ये है हमारे पास दो गिवन पॉइंट्स, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्विडिस्टेंट, विच आर इक्विडिस्टेंट, जो सेम डिस्टेंस पे है, किस पॉइंट से, इसी पॉइंट पी से, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी x, 0। तो अगर हम डायग्रामेटिकली यहां पे शो करेंगे, अगर ये है मेरे पास पहला पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -5, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -9 और तीसरा जो पॉइंट पी हमने लिया x, 0। जितना डिस्टेंस बी और पी के बीच में होगा, मींस बी पी डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड पी, मींस हमें क्वेश्चन में कंडीशन वहां से ही गिवन है, जितना बी पी डिस्टेंस होगा उतना ए पी भी होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम डिस्टेंस निकालेंगे ए पी और दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे बी पी और दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे। पहला जो डिस्टेंस है, डायग्राम हम अलग से बनाएंगे ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए, एक पॉइंट इसमें से है ए और एक है पी, ए पी को मैंने फिर से बनाया, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, -5, बी के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट्स है x, 0। तो पहला जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मानेंगे x1, y1, दूसरा जो पॉइंट है इसको मानेंगे x2, y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ए पी डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो इस पार्ट के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ ए पी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पहले हम फॉर्मूला वापस लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू से वो शूट करेंगे, x2 के बदले क्या है x - x1 के बदले 2 होल स्क्वायर + y2 के बदले क्या है, y2 के बदले है 0, y1 के बदले है -5 स्क्वायर। तो इसको ये हमने निकाला इस पहले पार्ट का ए पी डिस्टेंस। अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट जो है बी पी, बी पी के लिए डायग्राम हम यहां से बनाएंगे, ये है बी, ये है पी,
पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस टू कामा नाइन और पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा जीरो। अगेन क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम मानेंगे माइनस टू को एक्स वन, नाइन को वाई वन, इसको मानेंगे एक्स टू, जीरो को वाई टू। ये है दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बी पी डिस्टेंस क्या होगा, बी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। वैल्यूज, ये चार वैल्यूज जो है कोऑर्डिनेट्स की, ये फॉर्मूला में सब शूट करेंगे। बी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू, उसकी जगह एक्स आएगा, माइनस एक्स वन, उसकी जगह माइनस टू होल स्क्वायर, प्लस वाई टू के बदले जीरो और वाई वन के बदले क्या है नाइन होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जितना डिस्टेंस ए पी है उतना डिस्टेंस बी पी भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दिया है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, जितना ए पी है उतना बी पी भी है। दोनों के जो वैल्यूज हमने यहां पे और यहां पे निकाली, हम सब शूट करेंगे, विच एम्प्लाई ए पी के बदले क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो प्लस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी के बदले क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यह आएगा एक्स प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, यह आएगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नाइन होल स्क्वायर। अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या आ गया, स्क्वायर रूट जो है वो दोनों साइड से है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी और यहां से भी स्क्वायर रूट कैंसिल, विच इंप्लाई एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो प्लस फाइव इज फाइव, यह आएगा फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नाइन इज माइनस नाइन होल स्क्वायर। इसको ओपन अप करेंगे तो फॉर्मूला यूज करके ओपन करना है इसको, एक्स यहां पे आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करना, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फोर माइनस टू ए बी मीन्स माइनस फोर एक्स प्लस फाइव स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू, यहां फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो आएगा ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो गया फोर प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी हो गया यहां पे फोर एक्स प्लस माइनस नाइन स्क्वायर इज प्लस 81। अब इस इक्वेशन में यहां भी एक्स स्क्वायर यहां भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां भी प्लस फोर यहां भी प्लस फोर कैंसिल, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, जो विदाउट एक्स है उनको एक साइड पे ले जाएंगे, विच एम्प्लाय यहां माइनस फोर एक्स है, यहां दूसरे साइड प्लस फोर एक्स है, इसको शिफ्ट करेंगे ये आएगा माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू, यहां 81 था राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 25 है, इसको शिफ्ट करेंगे ये बनेगा माइनस 25, विच इंप्लाय माइनस फोर एक्स इज माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 81 माइनस 25 इज 56। यहां से हम निकालेंगे एक्स का वैल्यू, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 56 डिवाइडेड बाय माइनस एट, या ऐसे लिख सकते हैं माइनस 56 बाय एट, कैंसिलेशन करेंगे 8 1 8 7, तो एक्स का जो वैल्यू आया माइनस 7 आया। तो हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, देयर फोर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज क्या, हमने रखा था पी एक्स कामा जीरो, लेकिन इसी का वैल्यू हमें क्या आया, पी एक्स की जगह आएगा माइनस सेवन कामा जीरो। ये था क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू।